फिल्मी दीवानों तो कैसे हैं आप सब। लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑफ बॉलीवुड फिल्म शाहिद, ये वीडियो आप लोगों में से ही किसी एक के रिक्वेस्ट पर है जिनका नाम है अर्णव बानिक। तो चलिए शुरू करते हैं। शाहिद बॉक्स ऑफिस पर 18 अक्टूबर 2013 को रिलीज हुई थी। इस मूवी को हंसल मेहता ने डायरेक्ट किया था। इसमें राजकुमार राव, तिग्मांशु धुलिया और के मेनन लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार्स की रेटिंग मिली थी और ये एक बायोग्राफिकल फिल्म थी। इसका बजट था 6.5 करोड़ का। कलेक्शंस की बात करें तो डे 1 पर 45 लाख रुपीस की ओपनिंग कलेक्शन की थी। फर्स्ट वीक में 3 करोड़ 15 लाख की कलेक्शन की थी और फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टाइम नेट कलेक्शन था 3 करोड़ 60 लाख रुपए का रहा था। अब रही बात वर्डिक्ट यानी हिट और फ्लॉप की, तो आपको बता दें कि शाहिद बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इसकी जो स्टोरी थी वो रियल लाइफ जो थी, जैसे बायोग्राफिकल फिल्म है तो रियल लाइफ की स्टोरी थी, और जिसकी स्टोरी थी उनका नाम था शाहिद आजमी। और जो शाहिद आजमी थे वो कैसे एक क्रिमिनल से एक लॉयर बने थे, यही सब इस मूवी में दिखाया गया था। वो बहुत ही यंग एज में उन्होंने क्राइम करने स्टार्ट कर दिए थे और कैसे यंग एज में एक लॉयर बने, और जब वो 32 साल के हुए थे तो उसके कुछ टाइम बाद उनके जो ऑफिस था मुंबई में, कुर्ला में एक ऑफिस था, कुर्ला मुंबई में, तो वहां पर उनके ऑफिस में 4 गनमैन आए थे, यानी 4 गुंडे आए थे जो जिन्होंने उनके ऑफिस में घुसकर उनको गोली मार दी थी और वहीं पर उनका मर्डर हो गया था। जहां पर उनको हॉस्पिटल लेके गए तो वहां जाकर पता चला कि इनका मतलब डेथ हो चुकी है। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि इस फिल्म को 4 अवार्ड्स भी मिले थे। अवार्ड नंबर 1 था फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड, जो मिला था राजकुमार राव को। अवार्ड नंबर 2 था नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर, जो मिला था राजकुमार राव को। अवार्ड नंबर 3 था नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्शन, जो मिला था हंसल मेहता को। अवार्ड नंबर 4 था स्क्रीन अवार्ड फॉर बेस्ट स्क्रीन प्ले। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं हूं जतिन, आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉलीव्यूज का होस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाइए मेरे दोस्त। अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।